सो आज बहुत ही खास दिन है, बहुत सैड डे भी है, बट ठीक है, अभी जो होता है लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ता है. सो बेसिकली आज हम KDT के सेट पे लास्ट सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, जो एकदम लास्ट एपिसोड है. तो ऐसा कुछ माहौल है. और तुम खुश हो या तुम हंस रहे हो यार? नमस्ते, कैसा लग रहा है लास्ट सीक्वेंस शूट करके? आपका कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा है. हाँ, थैंक यू. तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा दिन क्या चला आज, क्या शूट किया. एंड ऑफ कोर्स बुरा बहुत लग रहा है, पर हर चीज का एंड होता है और एंड एक अच्छी बिगनिंग की शुरुआत होती है. अच्छा, एक्शन. नहीं, मुझे शादी नहीं करनी. नहीं, मुझे शादी नहीं करनी. नहीं, मुझे शादी नहीं करनी. हेलो, इनकी दो अच्छी बातें हो गई. अच्छी बात ये है कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात है. बहुत लोग बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, बहुत अच्छी पूरे ग्रुप में हमारी सबसे फेवरेट. दो बुराइयाँ बताऊँ, दो मिनट बता पाऊँगा, एक बताऊँगा. इनके बहुत मूवमेंट्स होते हैं, ये आपको दो मिनट में हंसते हुए एकदम इनके 12 बजे से मूवमेंट्स होते हैं. मैं इनको एक बात पे डिट्टो बोलना चाहूंगी. अच्छी तो ऑब्वियसली ये तो पूरा सेट जानता है कि मुदित कितने अच्छे एक्टर है, पर वो तो मुदित भी जानता है कि मुदित बहुत अच्छा एक्टर है. कुछ भी हो, कितना भी सैड या ड्रेन्ड आउट हो मुदित, तभी भी एक बार सेट बोलो मुदित, तो कितनी प्यारी सी स्माइल आती है इनके फेस पे, जो बहुत अच्छा लगता है वो देख के. तो ये मुझे बहुत पसंद है. आज आपका लास्ट डे है. आपका लास्ट डे है, आप मिस करोगे? इसको मैं बहुत मिस करूंगी. लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया. इसकी वजह से हम कृष्ण जी को इतना याद करते हैं, क्योंकि बात बात में हमें रिमाइंड करता है कि हमें बार बार हरे कृष्णा और चांट करना है. मैं सर को बहुत मिस करूंगी, सर में बहुत मजा आया, बहुत मस्ती करते हैं थ्रू आउट. पता पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता. सच पूरा दिन मस्ती करता हूँ, काम भी करता हूँ. ये बता, प्रोड्यूसर मुझे काम भी देना चाहिए. आदमी झूठ बोल रहा है, कोई काम नहीं करता, टाइम पास करता है. अच्छा, पूरा आप बोलो. पूरा के तो एग्जाम्स है. हाँ, कौन सा है पहले? फर्स्ट कौन सा है? आईवी. ओके ओके, पढ़ा आपने कुछ? अच्छा, वन शॉट के लिए अगर आपको करने का मन है तो वन शॉट मिलेगा ना? हाँ सर, सर बोले वन शॉट मिलेगा, लेकिन आपकी तरफ से. बाय द वे, ये दोनों डॉमिनेटर ही सेट के. हां, बाय द वे, बाय द वे, जाने बहुत अच्छी रही. ओ, एक कुछ बोलना चाहता हूँ. ये दिखने में इतना बोला दिख रहा है, ये नेक्स्ट सीजन इसका आने वाला है, जिसका जो सीरियल किलर होगा वो शायद यही होगा. मासूम चेहरे पे ना जाए. हाँ, इस मासूम चेहरे पे ना जाए. आज आपका लास्ट डे शूट है, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है, हमारा लास्ट है. मेरा भी लास्ट है. आप कहीं नहीं जाओ, आप कहीं नहीं जाओगे, ये क्या बात है? हम लास्ट डे सेलिब्रेट करके जाएंगे. आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ. नहीं, मैं यही वेट कर रही हूँ आपका. आप आइए. हरे कृष्णा. अच्छा भाई, मैं मेरे यूट्यूब पे अभी कुछ तो मैम के बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे फैंस हैं, जिन्होंने बोला है कि कीर्ति मैम का शो क्यों बंद हो रहा है, और क्या कीर्ति मैडम मैडम सर में आएंगी क्या दोबारा से? तो अभी यही सवाल उनसे पूछ लीजिए आप. तो
आप चीज का एंड होता है इस शो का भी उतनी लाइफ थी वो एंड हो रही है पर एंड एक अच्छी बिगिनिंग की शुरुआत होती है मैडम सर टू अगर स्टार्ट हो जाएगा तब तक तो आ जाऊंगी नहीं तो कुछ और स्टार्ट होगा तो कुछ और हाँ ये तो अच्छा है एक चीज पूछनी है ये आपके फैंस के लिए ठीक है ऐसा कोई कमेंट ऐसा कुछ जो आपके लाइफ में ऐसा हो कि हाँ यार मेरे फैंस इतने प्यारे हैं हाँ हम लोग मिलने आए थे क्या बोलते हैं हमारे सेट पे बहुत दूर से मिलने आते थे और आके जब उन्होंने मुझे हग किया एंड दे स्टार्टेड क्राइंग वो वाली जो फीलिंग थी ना कि रोने लग गई वो बच्ची वो था कि यार कुछ तो मतलब उनके दिलों को छुआ जाके वो वॉर्म्थ फीलिंग मुझे अभी भी याद अच्छा कभी मन करता है किसी ने मैसेज किया तो आप उसका रिप्लाई कर दो हाँ मैं कर देती हूँ है ना कभी जब ऐसे मैसेज आता ना कि आज मेरा बर्थडे तो मैं विश कर देती हूँ तो बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती पर क्योंकि हाँ क्योंकि इतना इतना शेड्यूल बिजी रहता तो नहीं कर पाते आज के शेड्यूल को करके कैसा लग रहा है वो जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ था ना कि एक बार दिल पर हाथ रख कर तो देखो कि एक बार दिल पर हाथ रख कर तो देखो कि दिल तुम्हारे हाथ में ना दादी दीदी दीदी प्रैक्टिस करके जा प्रैक्टिस करके हमारे हमारे शो में शॉर्ट ऐसे डिस्कस होते हैं अभी हर्ष भाई इधर आए हैं इस शो के दुनिया अरे कहना क्या चाहते हो गुस्सा निकालो अपना चड्डी का टमाटर चड्डी के टमाटर जेल की रोटी तुमको तो जेल का चूहा खाना चाहिए था तुमको जेल की रोटी चाहिए हमें खानी चाहिए पहले पहले साला पहले मेरे माँ को गिरफ्तार किया ऊपर से मुझे पसंद आ जाता है तो ये मैच देखते हुए हमारे प्यारे केरी टी क्रू ये देखो किसका मैच है आज इंडिया न्यूजीलैंड तभी जिंदाबाद इंडिया हाँ ये देखो ये सनी और सर मेरे पैर में बनियान बांध रहे हैं किसी को किसी की बनियान बांध रहे हैं मेरे पैर पे कहाँ से लाए हो ये बनियान सच बताना झूठ नहीं कुछ ही दिन बचे हैं हमारे शो को बंद होने में और अक्टूबर में सब रैपअप करना है तो अभी हमारी शिफ्टिंग हो रही है सेट से हम दूसरे सेट पे जा रहे हैं चलो आओ घुटनों के बल आओ जब भी मैं शूट से आती हूँ लाइट में आऊँ शूट से आती हूँ तो तुम हमेशा मुझे मिलने आती हो और मुझे आके बहुत सारी पप्पियाँ करती हो मैं क्यों पसंद होती हूँ नहीं ऐसा नहीं है मुझे मेरी तारीफ सुननी है बट मुझे जेन्युइनली जानना है कि इतना जो मतलब एक अलग ही लेवल का प्यार है इसका मेरे लिए वो क्यों है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वेट करती हूँ हर रोज क्योंकि तुम आते हो मुझको तुम्हारे साथ वेट करने का रहता है हाँ तो तुम मेरे लिए वेट क्यों करती हो मतलब ऐसा क्या है मैंने क्या मतलब क्यों इतना प्यार आता है मुझको तुम जब भी आते हो ना तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मेरा ड्रेस अच्छा लगता है इसलिए देखना होता तुझे हाँ so ऐसी ही मुझे प्यार करती है रोज मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा कुछ पुराने जन्म का कुछ रिश्ता होगा शायद क्योंकि ये फीलिंग अलग ही फीलिंग है ना आज कुछ अलग ही हो रहा है ये शूटिंग चल रही है
और ये हमारे डायरेक्टर हैं जो ऑटो चलाने वाले हैं, डायरेक्टर कम ऑटो कम डीओपी। लापरवाही का नतीजा कमाल की जगह है। कमाल पहले मतलब पहले आप लोकेशन देखने जाते हो, सब एक ही करते हैं रात में 2-3 बजे पार्टी करेंगे, मतलब जो लोकेशन देखने जाते हो उसमें पहले पार्टी करते हैं। पहले पार्टी करेंगे, इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं, जब सीक्वेंस आता है तो ये यहाँ पे होना चाहिए। 2 बजे तक जाके पार्टी वार्टी करके बोलते हैं यहाँ शूट करेंगे। एक ये है सुपर पावर और वो थे हाई वोल्टेज पावर। अब हम जा रहे हैं दूसरे सेट पे। ये देखो अपनी सासू माँ से क्या काम करवा रही है, देखो अपने पैर दबा रही है अपनी सासू माँ से। शाम को रोटी नहीं लेती है कि रात को डोसा खाना है। आजकल के सास ये ऐसा करने का तो कभी कहूँ घर से नहीं निकालेगी। आज मेरी रिहर्सल तिवारी जी कर रहे हैं। मैं लंगड़ी भी हुई हुई उस टाइम पे, तो वो भी कैसे कैसे Hi, welcome to KDT Vlogs. You have to prepare me before. No, I don't have to. फिर कैसे मजा आएगा? Candid होना चाहिए। तो क्या चल रहा है आज? Love story start हो चुकी है। विक्रांत is on the line. अच्छा। खुशियों का माहौल है। और ये देखिए गरुड़ खेल रहे हैं। आन देखिए आन खेल रहा है बाहर, कितनी मस्ती कर रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे बड़े टाइम पे जाने का मौका दिया है, सबको थैंक यू। मतलब मैं कुछ अलग सोच के आया था कि हम ये शो चलाएंगे लंबा जाएंगे, मुझे खुद को मालूम नहीं था मैं यहाँ पे एडजस्ट हो पाऊंगा, पर मुझे मालूम था कि मुझे 16-17 दिन शूटिंग करनी है और मैंने बहुत अच्छे से अपने आप को 5-6 दिन में एडजस्ट किया बिकॉज ऑफ तुम लोग के वजह से। बट मैं बहुत मिस करूंगा सबको, ये लोकेशन से लेकर ईच एंड एवरीवन, आर्टिस्ट टेक्नीशियन, मैं कैमरा डिपार्टमेंट स्पेशली तुम लोग का नाम ले रहा हूँ कि तुम लोग को मैंने बहुत गाली दी थी कि काम सिखाया है। सचिन कहाँ है पटेकर? मतलब सचिन था नहीं इसलिए काम फास्ट हुआ है। सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर मेरे बाद खुश है तो कैमरा डिपार्टमेंट का है। शायद सबका लास्ट डे होगा, है ना? तो सब लोग, मैंने जब मुझे न्यूज पता चली थी तो मैंने सबको बोला था कि क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी शूट करने के लिए लगा था उतना लगाओ। हमने बहुत मेहनत की है, प्रोड्यूसर को जितना हम लोग हेल्प कर सकते थे हम लोग की तरफ से किए है, जिसने किया है मन से काम उसको पता है, जिसने नहीं किया उसको तो अपने आप पता होगा कि मैंने नहीं किया, बट ईच एंड एवरीवन सब ने किया। थैंक यू, स्पेशल थैंक यू मोदी और इंडिया का, थैंक यू सो मच। मतलब मेरे में जो 100% एनर्जी उसमें 200% तुम लोग को देख के मुझे काम करने का मन किया कि कर लेंगे ये लोग। मतलब मैं जो सोच रहा हूँ 40 मिनट आए तो उसमें से 35 मिनट इन्होंने दिया, 10 मिनट मैंने दिए, तो एक दोनों के लिए जोरदार एक बात कहा है।